मैं कोलकाता के एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे आया हूँ जिसका नाम है विश्व बांग्ला गेट। फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं विश्व बांग्ला गेट के एकदम टॉप पर और ये वेटिंग रूम है और यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है ना आपको, फिलहाल अभी आधे घंटे बचे हैं हमारे लंच आने में। तो फाइनली हमारा लंच आ चुका है, थोड़ा चटपटा स्पाइसी, बाहर से ये रेस्टोरेंट कुछ ऐसा दिखता है। तो हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी सारी जर्नी खत्म हो चुकी थी और 2023 का मैं अभी तक का कोई ट्रिप नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं जल्दी एक न्यू ट्रिप करने वाला हूँ। तो फिलहाल ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैं कोलकाता के एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे आया हूँ जिसका नाम है विश्व बांग्ला गेट। जी हाँ, विश्व बांग्ला गेट, जिसे कोलकाता गेट या हैंगिंग रेस्टोरेंट भी कहते हैं कोलकाता का, एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पे होता है। और लगभग 5 साल हो गए इसे ओपन हुए हुए, लेकिन मैं बहुत दिनों से जब इको पार्क आता था तो हमेशा देखता था, तो सोचता था दोस्तों के साथ कभी प्लान बनाऊंगा वहाँ पर जाने का, यानी इस जगह पर जाने का। तो फिलहाल आज वो दिन आ गई, तो मैं जहाँ पर अभी हम लोग को टिकट बुकिंग भी करना है, तो देखते हैं क्या टिकट प्राइस है और एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा कि वहाँ पे मैं लंच करूंगा और लंच करते करते कोलकाता का एक अलग ही व्यू देखने को मिलेगा। तो चलते इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग काफी पसंद आएगा। फिलहाल इंस्टाग्राम में अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ। तो चलते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे रहा टिकट काउंटर, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या टिकट की प्राइस है और एंट्री फीस क्या लगती है। फिलहाल मैंने सुना कि पहले बुकिंग कराना पड़ता है, प्री बुकिंग। मैम बुकिंग कराना था टिकट, कब होगा? अच्छा वीडियो नहीं, ब्लॉग कर रहा है। तो फिलहाल हमें टिकट काउंटर से कूपन दिया गया है और वहाँ पे एंट्री जो है, वहाँ से एंट्री करके फिर ऊपर जाना है, लिफ्ट बना हुआ है। और अभी कुछ बातें पता चली है, मैं और मेरा दोस्त वहाँ पे हेलमेट रखने गया है। तो फिलहाल अभी पता चला मेरे को कि यहाँ पर आप मिनिमम ऑर्डर जो होगा 1000 का आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगा। और एंट्री फीस कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे गूगल में पढ़ा था कि 100 रुपये लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा फूड 1000 का और फिर उसके बाद आप एंट्री करो। फिलहाल यहाँ पे स्लॉट बुकिंग करना पड़ता है, यानी 1 घंटे का लंच होता है और डिनर होता है, यानी 1 आवर का आपको पूरा स्पेस दिया जाएगा कि आप लंच करो, फिर घूम लो ऊपर में जाने के बाद, और फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। और वहाँ पे वेटिंग लॉन्ज है, वहाँ पर देखो, अगर मान लो आपका टाइमिंग नहीं आया है तो आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जैसे ही आपका टाइम आएगा तो फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं। तो फिलहाल चलते हैं, आओ, काफी मजा आने वाला है, पहला एक्सपीरियंस है। और ये रहा एंट्री, और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, काफी ज्यादा। और यहाँ पास में देखो ये जो सीढ़ी है ना, ये बस देखने के लिए बनी है, पता चला ये सिर्फ डिजाइन बनाई गई है। नहीं आप लोग चाहे तो चढ़ सकते हैं। हाँ चढ़ सकते हैं। उसके बाद तो फिर यहाँ से एंट्री करते हैं। टिकट तो चलते हैं, खाना पड़ेगा ही। यहाँ से कोलकाता का तो फाइनली हम लोग आ गए हैं एकदम टॉप पर, यहाँ से तो दिख नहीं रहा, अब यहाँ से चलना पड़ेगा। आ जाओ कहाँ से, यहाँ पे देखो गेट खुल चुका है। ये टिकट ले लिया ना तुम? चलो तो फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ विश्व बांग्ला गेट के पास में। कोई टेबल हम लोग को देखना पड़ेगा जो खाली है कि नहीं, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। हम लोग को 2 टेबल देखना पड़ेगा, समझा? कौन सा? ये परफेक्ट है, वहाँ पे पूछ लो। हम लोग 2 पर्सन है यहाँ पे ना। चलो तो फाइनली ये टेबल हमने बुक किया है, बैठो। मैन कैसा लग रहा है, एक्साइटमेंट? यार काफ़ी एक्साइटेड है, ये हम लोग का टेबल है और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा। हाँ बहुत अच्छा आ रहा ना यहाँ से कोलकाता का। हाँ हाँ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मेनू आ गया है, ऑर्डर करो, देखो क्या लेना है। पहले ऑर्डर कर लेते हैं हम लोग, फिलहाल मेन्यू देखते हैं। फिलहाल ये रहा मेन्यू, यहाँ पे हम लोग को अपना लंच ऑर्डर करना पड़ेगा। क्या है, स्टार्टर्स लेते ही नहीं है, ठीक है, लंच ही डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, मेन कोर्स में आते हैं। तो फिलहाल पहले अपना ऑर्डर कर लेता हूँ। रीजनेबल प्राइस तो नहीं लग रहा है मेरे को, थोड़ा ज़्यादा ही यानी महंगा लग रहा है, लेकिन फिलहाल इस व्यू को देखने के लिए तो थोड़ा पे करना ही पड़ेगा आपको ज़्यादा। तो फिलहाल हमारा ऑर्डर यहाँ पे हो चुका है और हमने ऑर्डर कर लिया है।
तो फिलहाल हमारा ऑर्डर अभी आने में आधे घंटे लगेंगे, हाफ एन आवर लगेगा। तो हमने पूछा कि क्या हम लोग राउंड कर सकते हैं अभी, तो उन्होंने बोला हाँ कोई इशू नहीं, आप घूम के आओ और यहाँ पे देखो आराम से आप लोग बैठ के यहाँ मस्ती कर सकते हो। तो यहाँ सब लोग एकदम रिलैक्स होके व्यू देख रहे हैं कोलकाता का। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं और यहाँ से कुछ व्यू देखते हैं। विशाल विशाल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से एक अलग व्यू देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी आधे घंटे बचे हैं हमारे लंच आने में, तो हमने सोचा क्यों ना राउंड कर लूँ। और मैं बोलूँगा तो नॉर्मली आप फैमिली के साथ आओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखो वॉल पे ड्राइंग की गई है, काफ़ी सुंदर ड्राइंग। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी, फिर रामकृष्ण परमहंस और उनके जो मोटिवेशनल लाइन्स थे यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक अलग ही बहुत ही अच्छा वाइब्स क्रिएट किया गया यहाँ पर और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। विशाल आ जाओ, ऑर्डर रेडी हो गया। फिलहाल हम लोग का ऑर्डर रेडी हो गया और यहाँ पे जो स्टाफ को उन्होंने बोला आपका ऑर्डर रेडी हो गया, तो चलते जल्दी चलो। तो चलते हैं भाई, पहले लंच करते, काफ़ी जोर की भूख लगी है और यहाँ पे लोगों का लंच स्टार्ट हो गया। तो फाइनली हमारा लंच आ चुका है, देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। हमने नान और पनीर और चिकन और राइस मंगाया था। अभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, नान हमें कम लग रहा है तो इसीलिए हमने ऑर्डर कर दिया। हाँ दो नान करवा दिए, दो नान। यहाँ पे नान ना थोड़ा शॉर्टेज लग रहा है ना, थोड़ा कम लग रहा है नान, तो हमने सोचा कि और नान मंगवा लेते हैं। अब किचन बंद हो जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट किया हमने कि, तो उन्होंने बोला कि टाइम लगेगा। मैंने बोला भैया प्लीज़, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो फिलहाल क्वांटिटी ठीक ही लग रहा है, जितना प्राइस लिया जा रहा है क्वांटिटी उस हिसाब से कमी है। हाँ कमी है, खैर खाते हैं। इस व्यू के लिए तो हमें पैसा चुका दे ही पड़ेगा ना। तो फिलहाल हमने चिकन और पनीर ले लिया है और देखते हैं कैसा टेस्ट है। फर्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में खा रहे हैं ना, पहले चिकन ट्राई करते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है चिकन का, पनीर ट्राई करते हैं। काफ़ी रेस्टोरेंट में गया लेकिन इसका टेस्ट मैं बोलूँगा 10 में से 9 लूँगा, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। थोड़ा चटपटा स्पाइसी बहुत अच्छा बनाया गया। यहाँ पे लंच हम लोग का कंप्लीट हो गया है काफ़ी अच्छा लगा है। अभी थोड़ा राउंड करेंगे, वॉक करेंगे, लंच किया हमने। तो ये रहा हमारा बिल, बिल का देखो तो एक बार बिल देख के बताओ तो। थोड़ा मुझे थोड़ा हार्ट अटैक टाइप का फील हो रहा है। लाल पेमेंट हो गया, दो थोड़ा सा मेरे को दो को। तो चलो यहाँ भी घूमने का है क्या, इस साइड में घूमने का है क्या, राउंड का नहीं जा सकता, बंद है। छोड़ो राउंड कर सकते हैं क्या, इसके अंदर जा सकते हैं। चलो थैंक यू भैया। चल ऐसे ही राउंड करने के लिए हमने परमिशन लिया कि यहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर देखो इसी व्यू के लिए हमने काफ़ी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाया है। फिलहाल थोड़ा एक्सपेंसिव था, चलेगा इतना, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है इसके क्या ही कहने। ये रहा, कुछ ऐसा दिखता है विश्व बांग्ला गेट, कोलकाता गेट। खाने के बारे में मैंने तो आपको बताया कि काफ़ी टेस्टी था, बहुत ही डिलीशियस। और यहाँ पे सफाई की काम चल रही है शायद। मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन यानी बहुत सारे फ़ोटोज़ बना दिए गए ना, ड्राइंग, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पर देखो लेटर में लिखा गया विश्व बांग्ला गेट, जब रात होता है तो शायद इसे जला दिया जाता है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और यहाँ से देखो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं यहाँ पर। यहाँ पर जितनी सारी चेयर्स हैं यानी जो टेबल्स हैं सब बुक हो जाएंगे और फिर एक घंटे का लंच होता है, डिनर होगा। यानी एक घंटे का स्लॉट रहता है पूरा कि आप एक घंटे तक इंजॉय कर सकते हो, टहल सकते हो, घूम सकते हो, बैठ सकते हो। इंजॉय किया, कैसा लगा इंजॉयमेंट? काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। हाँ आज का दिन बन गया है बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ का जो व्यू देख रहा है ना भाई, देखो मेन रीजन यहाँ आने का ये सामने। हाँ ये जो व्यू है ना,
इसके लिए रेस्टोरेंट फेमस है कि यहाँ से आप सिटी एक्चुअल में कैसी होती है उसका नज़ारा देखकर आप आराम से अपना लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो ये सब एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग आते हैं। तो गाइस देखो, बाहर से रेस्टोरेंट कुछ ऐसा दिखता है, इसका देखो राउंड सा सर्कल जैसा बना हुआ है एकदम। तो काफ़ी मज़ा आया, फिलहाल हम लोग लंच करके नीचे आ गए हैं, चलते हैं बाहर। और गाइस टिकट काउंटर के बगल में ही पार्किंग का यहाँ पे दिया गया है, यानी आप यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं और कार पार्किंग के लिए शायद वहाँ पर जगह दिया गया है, और भी यहाँ पे स्पेस है, आप पार्क कर सकते हो और जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। और हेलमेट आप वहाँ पे जमा दे सकते हो, और वहाँ पे वेटिंग लॉन्ज है जो कि आराम से आप वेट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। और वहाँ से एंट्री है, और यहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी सेफ सॉइल, इसको याद रखना क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ सतगुरु के साथ। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एक बार ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको द हैंगिंग रेस्टोरेंट यानी विश्व बांग्ला गेट देखने में काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसके अंदर का जो मैंने दिखाया आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करना संजीव जायसवाल ब्लॉग। तो मिलते हैं फिर से एक नए मज़ेदार जगह में, या तो नई ट्रिप स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।